हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज जो मैं आप लोगों के लिए प्रोडक्ट लेके आया हूँ वो है रूप मंत्रा जीरो पिंपल जेल। तो रूप मंत्रा जीरो पिंपल जेल का रिव्यू, इसकी स्पेसिफिकेशन, इसके प्राइस वगैरह डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो पिम्पल, एक्ने या स्किन एलर्जी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ये बेसिकली एक एज तक आपको होती है, अराउंड 35 ईयर्स तक आपको होती है और ये बहुत कॉमन है 15 से 25 साल के बीच में। तो बेसिकली युवा अवस्था में ये प्रॉब्लम आपको सामने आएगी, आपके फेस पे छोटे छोटे दाने निकलेंगे, तुमको पिंपल्स कहते हैं, फुंसी निकल सकती है। और ये बेसिकली हमारी बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो उस वजह से आपकी बॉडी में ये सब चीजें निकलती हैं। और फेस पे सबसे ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन होता है बॉडी में, तो ये फेस पे जल्दी निकलते हैं। और मार्केट में काफी सारी मेडिसिन या जेल या क्रीम अवेलेबल हैं पिंपल को दूर करने के लिए, बट इसमें से कुछ ही जो है जो अच्छे रिजल्ट आपको देंगी। जैसे क्लीन एंड क्लियर की क्रीम आती है, प्लस जेल आती है पिंपल को रिमूव करने के लिए। फेस वॉश काफी सारे हैं मार्केट में, पतंजलि के फेस वॉश आते हैं, पतंजलि क्रीम्स आती है, विको टर्मेरिक है, काफी सारे ब्रांड्स हैं जो बेसिकली आपके पिंपल और एक्ने के लिए फेस वॉश, क्रीम या जेल बनाते हैं। तो रूप मंत्रा जीरो पिंपल क्रीम भी पिंपल जेल उनमें से एक है। तो ये बेसिकली एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, आपने इसकी टीवी में भी एडवर्टाइजमेंट देखी होगी। तो ये आपके पिंपल पे कैसे काम करती है मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डॉक्टर जुनेजा का प्रोडक्ट है, तो काफी फेमस है अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के लिए। और भी प्रोडक्ट इसके मार्केट में अवेलेबल है, जैसे डॉक्टर ऑर्थो की क्रीम आती है, उसका ऑयल आता है, उसके टेबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, प्लस इनके फेस वॉश काफी अवेलेबल है मार्केट में, एलोवेरा, क्यूकम्बर, मिक्स फ्रूट। तो बहुत सारे ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी डील करते हैं और जो हेल्थ को इम्प्रूव करने वाली चीजें हैं आयुर्वेदिक उनमें डील करते हैं। तो आपको मैं इसकी स्पेसिफिकेशन बताता हूँ कि कितने प्राइस की है और कितने ग्राम की क्वांटिटी में आती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका जो प्राइस है वो 136 रुपीज और जो क्वांटिटी इस पे मेंशन करी हुई 15 ग्राम है। और ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, तो इसमें सब चीजें जो यूज हुई है वो नेचुरली यूज हुई है। जैसा कि आप इसकी कंटेंट में देख पा रहे हैं, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो है जून 2018 की और जो इसकी एक्सपायरी मेंशन करी गई है वो है 3 साल मैन्युफैक्चरिंग डेट से। तो ये 2021 जून में ये एक्सपायर हो जाएगी, तब तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो आपका एक्ने है, जो आपके पिंपल्स हैं, फुंसी है फेस पे, जो भी दाने निकल आते हैं, तो बेसिकली आपको थोड़े बहुत परहेज भी करने पड़ेंगे। जैसे आपको ऑयली फूड है उसको थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा, कम घी का खाना खाना पड़ेगा जब तक आपके पिंपल्स निकल रहे हैं। और प्लस जो आप अगर बाहर कोई जाके आप अगर सलून जाते हैं या पार्लर जाते हैं, अगर आप उनके प्रोडक्ट यूज करेंगे तो वो तो आपके ऊपर कुछ भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो आप उसको अवॉइड करें और अपने हाइजीन को मेंटेन करें, अपने फेस को अच्छे से वॉश करें, अच्छे फेस वॉश से, माइल्ड फेस वॉश से उसको वॉश करें, देन उसके बाद इस क्रीम का इस्तेमाल करें। तो रूप मंत्रा जीरो पिंपल जेल जेल जो है बेसिकली आपके आपको इसको अप्लाई करना है फेस को क्लीन करके अच्छे से, उसको ड्राई करना है, देन इस क्रीम को, देन इस जेल को आपको उसी जगह पे अप्लाई करना है जहां पे आपके पिंपल या एक्ने है। और बेटर रिजल्ट के लिए आपको दिन में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल करना है। तो बेसिकली आपके जो छोटे छोटे पिंपल्स है ये उसको तो ये इजिली रिमूव कर देगी कुछ ही टाइम में, मतलब 1-2 दिन लगेंगे आपको रिमूव होने। वो आपको जो आपका पिंपल उसको अच्छे से पका के उसको आपको स्किन से हटाने में बहुत हेल्प करेगी। देन अगर कोई आपको फुंसी हो गई है, मोटे पिंपल्स हैं, उसको रिमूव करने में काफी टाइम लगेगा इसको। तो बेसिकली आपके जो नॉर्मल प्रोसेस अगर वो देखे जाएगा कि अपने आप रिमूव हो रहे हैं तो उसमें आराम से आपको 1 से 2 वीक लगते हैं। इसको लगाने के बाद प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है, तो उसमें आपको 4 से 5 दिन लगेंगे इसका अगर डेली यूज करेंगे। तो हाइजीन तो प्रॉपर मेंटेन करनी ही है आपको साथ के साथ। और मैंने इसको यूज किया है, मेरे भी पिंपल्स वगैरह निकलते रहते हैं, तो मैं इसको जो पिंपल्स होते हैं उन पर अप्लाई करता हूँ तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। नेचुरल प्रोसेस से देखा जाए तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट इसको लगाने के बाद जल्दी ठीक हो जाते हैं। और मैं थोड़े बहुत परहेज भी करता हूँ, ऐसे ऑयल कम खाना, घी कम खाना और बाहर के जो भी
सलून जाके उनके प्रोडक्ट्स को ना अपने फेस पे अप्लाई करवाना, तो मैं बहुत अवॉइड करता हूँ बाहर के सलून जाके और उनके प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए। तो इस प्रोडक्ट को जो मैं रेट करूंगा वो करूंगा 3.5 out of 5। प्रोडक्ट अच्छा है बट और भी कॉम्पिटिटर हैं इसके मार्केट में जो कि सेम क्वांटिटी में और चीपली अपने प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे क्लीन एंड क्लियर की आपकी पिंपल जेल आती है, इससे सस्ती है और उसके भी सेम इफेक्ट्स हैं, सेम चीज के लिए वो काम करती है। प्लस इसको टाइम लगता है ठीक होने में, अगर आपके बड़ा पिंपल है या फिर एक्ने ज्यादा है तो इसका इफेक्ट कम हो जाता है, ज्यादा इफेक्टिव नहीं है उस चीज के लिए। छोटे मोटे पिंपल्स के लिए, छोटे मोटे एक्ने एलर्जी के लिए ये काफी है, बट अगर पिंपल ज्यादा है और आपके फेस पे बार बार पिंपल आ रहे हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वो आपको टेबलेट फॉर्म में या कैप्सूल्स में मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे आपके पिंपल और एक्ने के लिए, प्लस वो क्रीम भी प्रोवाइड करेंगे जो कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही परचेज कर सकते हैं। ये जो है आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, काफी वेबसाइट पे इसको आप खरीद सकते हैं। क्वांटिटी कम है, सिर्फ 15 ग्राम क्वांटिटी है और जो प्राइस है वो 136 रुपीज है MRP देखा जाए तो। तो इस प्रोडक्ट को मैं इसलिए 3.5 रेट कर रहा हूँ आउट ऑफ 5। छोटे मोटे पिंपल्स के लिए बहुत अच्छा है बट अगर आपकी फुंसियां हैं या मोटे मोटे पिंपल्स हैं तो उसमें आपका इसका इफेक्ट है वो इतना नहीं रहता है। तो अगर आप लोगों का कोई सजेशन है तो आप प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिए और मुझे अपना फीडबैक दीजिए, मैं जल्दी से जल्दी उस कमेंट को पढ़ के आपका आंसर करने का ट्राई करूंगा। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।